न्यूमेरिकल्स में अभी तक हमने ये किया था कि हमारे पास एक ब्लॉक होता था और ब्लॉक किसी स्टेशनरी फ्लोर पे है। स्टेशनरी फ्लोर, आप बोलोगे फ्लोर हमेशा स्टेशनरी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तो हमने टेबल भी लिया था तो टेबल पे टेबल भी स्टेशनरी मानते थे। फिर हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। फिर हमने बोला था कि जब तक हम एफ लगाएंगे और जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और एक बार मूव करना शुरू हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हमने ऐसी बातें की थी, राइट। ओके, अब सिचुएशन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का थोड़ा सा और बेसिक आइडिया पे जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर, क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की जब हम बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन, वी कैन से इट एक्स एक्स व्हेन वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज इज सेम, ऑफ बोथ बॉडीज इज सेम एज लॉन्ग एज स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स एज लॉन्ग एज वेलोसिटी ऑफ द बोथ बॉडीज इज सेम, दैट इज नो रिलेटिव मोशन, आपस में विद रिस्पेक्ट टू इच अदर दे आर नॉट मूविंग। अच्छा, राइट, तभी करेगा, नहीं तो नहीं एक्ट करेगा अगर लगेगा तो। हाँ, एक और बात है कि यहाँ पे भी स्टैटिक, देखिए इधर इधर अगर मैंने फोर्स लगाया तो इधर एफ एस लग रहा है। आप बोलोगे एफ एस लग रहा है, फाइन, बट बॉडीज के बीच में ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, तो आपस में दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, या फिर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो नीचे वाले फ्लोर की वेलोसिटी होनी जीरो है तो ऊपर वाले की वेलोसिटी भी जीरो ही होगी, ऐसे सोचेंगे, ऐसे सोचना है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है कोई, राइट। इस केस में भी टेबल में आप लगा रहे हो एफ लगाया तो इधर एफ एस लग रहा है, आप पहले से अज्यूम कर लोगे स्टेशनरी है बॉडी, वो क्यों? क्योंकि नीचे वाली बॉडी तो स्टेशनरी रह रही है, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, तो ऊपर वाली बॉडी को भी स्टेशनरी रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर नीचे वाली बॉडी मूव कर रही होती फिर जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन लगना है, हम वो भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब बस ये बात समझिए, समझ लीजिए कि इट एक्ट्स एज लॉन्ग एज द व्हेन द रिलेटिव मोशन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द बॉडी बोथ रिलेटिव व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बोथ बॉडी इज सेम, दैट इज नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज बॉडी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ब्लॉक है एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, ऐसे करके, और हम सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ ये फ्रिक्शनलेस है, ये क्या है? फ्रिक्शनलेस, ठीक है। अच्छा, आपने फोर्स लगाया, इधर आपने फोर्स लगाया, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, देखिए ध्यान से सुनते आइए, इफ नो ए एम वन लीजिए ए एम टू लीजिए, इफ नो फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिटवीन एम वन एंड एम टू, फिर कैसे मोशन होता? देखिए तो इसकी बात पहले के कर लेंगे, ये एम वन है और ये एम टू है। अब ये मोशन अगर ऐसे होता इसको तो मोशन करने वाला होगा नहीं कोई भी, ये रेस्ट पे रहेगा। आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आपको क्या लगेगा? ये बॉडी किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है, ये मोशन इस विद रिस्पेक्ट टू एम टू, दिस इज द मोशन ऑफ, सुनते जाइए, ये मोशन ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओहो, ये क्या पेन दूसरा लिया मैंने, एक सेकेंड, ये क्या मैंने लिया, दिस इज मोशन ऑफ एम वन एज एज सीन फ्रॉम एम टू, ठीक है। तो राइट, अब आपको ये पता चल गया कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एम वन को फोर्स किस तरफ लगना था? लेफ्ट की तरफ लगना था, सॉरी, अब मोशन उसका लेफ्ट की तरफ था। तो अगर फ्रिक्शन होगा, अब यहां सोचना शुरू कर दो, जैसे ऐसे एरोज आ रहे हैं वैसे वैसे समझना शुरू कर दो और एक एक चीज समझो ध्यान से। अब सपोज नाउ इफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन
M1 एंड M2, ठीक है, राइट। तो मतलब ये है कि M1 इधर है और सॉरी M2 इधर है और M1 इधर है, तो फ्रिक्शन अगर लगेगा तो उसने लेडी मोशन को पोज करना है, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा F, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, M2 को फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, दिस फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन M1 एंड M2। सो ये आएगा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, इसकी ऐसे निकाला, आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, वाई फॉर यस एन फॉर नो, वाई फॉर यस एन फॉर नो, ईशांक को समझ नहीं आया। ईशांक पुत्र तुमने खुद ही पहले ऊपर देखो, ऊपर देखो, येलो वाले पोर्शन पे मैं इधर टिक मार रहा हूँ, ये देखो मैं टिक, मैंने ब्लू किया थोड़ा सा ऐसे, वो इधर देखो टिक मार रहा हूँ, तुमने खुद बोला कि विद रिस्पेक्ट टू M2 M1 पीछे की तरफ जा रहा है, तो अगर M2 को उसको रोकना है पीछे की तरफ जाने से, फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना, तो वो तो फ्रिक्शन आगे ही लगेगा ना उसको, M1 को, M2 तो रोकेगा ना उसको पीछे जाने से, बात समझ आई कि नहीं। आप एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखो तो नीचे वाली बुक को खींचो अपनी तरफ, तो ऊपर वाली बुक भी तो आपकी तरफ ही आती है, वो कहाँ से आती है, फ्रिक्शन ऐसे लगता है। अब समझ आई होगी, अब समझ आ गई सबको, अब अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखो, नीचे वाली बुक को खींचो, थोड़ा सा स्लोली खींचो, बड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं, तो ऊपर वाली बुक भी आपकी तरफ ही आती है, वो आपकी तरफ इसीलिए आती है क्योंकि ऊपर फ्रिक्शन आपकी तरफ लग रहा है उसको, ऊपर वाली बुक को। अब सब समझ आ गई, ओके क्लियर, बहुत अच्छा। अब इसमें दो केसेस होंगे, दो केसेस क्या होंगे, या तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, राइट। आपने क्या करना है, पहले अज्यूम करना है, ध्यान से सुनते जाना, सबसे पहले आपको अज्यूम स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग, फ्रिक्शन एक्टिंग पहले अज्यूम कर लो, जब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो लेडी मोशन एब्सेंट होगा, लेडी मोशन क्या होगा, एब्सेंट होगा, मतलब यह है कि लेडी मोशन एब्सेंट है, जो एक्सेलरेशन M2 की है वही M1 की एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 इज सेम, वो तो है ही, दोनों ने रेस्ट से मोशन शुरू किया था, इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट, ठीक है, तो अगर मैंने नहीं लिखा होगा मैं ये भी लिख देता हूँ, इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, आर एट रेस्ट, जब दोनों ने मोशन शुरू किया तो नेचुरली क्या है, दोनों की वेलोसिटी सेम आ रही है, स्पीड सेम आ रही है, तो इसका मतलब दोनों को एक्सेलरेशन सेम ही लग रही होगी हर इंस्टेंट पे, तो मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 इज सेम, रीज़न इजीली है कि बोथ वर एट रेस्ट, एट रेस्ट एंड नाउ वेलोसिटीज ऑफ बोथ आर सेम, आर सेम, ऐसा हो रहा होगा, तो ये वेलोसिटीज ऑफ बोथ आर सेम, दैट इज एक्सेलरेशन इज ऑल्सो सेम, इज सेम, वो तो है। अच्छा अब ऐसी बात अगर ऐसे हो जाए तो ये मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज सेम बिकॉज वेलोसिटी इज सेम, ये बात समझ आई, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, ये बात समझ आई, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, ये बात अगर समझ आई, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, कलश ऋषिबा, ओके मैक्सिम बटन दे दिया, ओके जब एक्सेलरेशन सेम है तो आपने क्या करना है, दोनों के एक्सेलरेशन सेम है तो ऊपर वाली बॉडी के लिए ले लेते हैं, ऊपर वाली M1 के ऊपर क्या लगेगा, हम लेंगे M, F लग रहा है, तो F इज इक्वल टू M1 ए,
ठीक है एफ एस लगा देते, एफ एस इज इक्वल टू मैंने, और नीचे वाली बॉडी को क्या लग रहा है एम टू, इधर लग रहा है एफ और इधर क्या लग रहा है एफ एस, हम लिखेंगे एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम टू ए, ठीक है राइट। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है एफ एस, एफ इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए। तो क्यों ना आप इतना लंबा चौड़ा काम करने के बजाय आप उनको सिंगल बॉडी ट्रीट करते, जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो सिंगल बॉडी ट्रीट कर दो, तो तब भी बात सेम आ गई, क्योंकि एफ एस कैन बी टेकन एज इंटरनल फोर्सेस एंड दे कैंसल, ऐसे ले सकते हैं सिंगल बॉडी लेके, आपकी मर्जी, दो ही क्वेश्चन बनिए सिंगल बॉडी करके, एक्सेलरेशन आ गई ठीक है राइट। फिर आपने वेरिफिकेशन भी करनी है, वेरीफाई करना है कि आपने वेरीफाई करना है इज अजम्पशन राइट, अजम्पशन ऑफ एफ एस राइट, वो कैसे, अब एफ एस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एफ एस इज इक्वल टू एम वन ए, एम वन इंटू एफ डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू आपने निकाल दिया। फिर चेक करना है, आपने चेक क्या करना है कि इज एफ एस लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम, द आंसर इज नो, अजम्पशन रॉन्ग रॉन्ग, काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग। ये लंबा चौड़ा काम है, आपके इधर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये एंट्रेंसेस वगैरह में आते हैं ठीक है, ऐसे भी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं ठीक है। लेकिन अगर अगर एस है, अगर यस है तो अजम्पशन करेक्ट करेक्ट। आप चक्कर बोलोगे यार कैसे चेक करेंगे, उसके लिए चेक करने का तरीका भी बता देते हैं आपको। देखो एफ एस मैक्सिमम किसके बराबर हो गया, म्यू एस इंटू एन वन एन, अब एन क्या कौन सा हो गया, एन इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन एम वन एंड एम टू, तो दो इधर बना देते हैं, ये देखिए आपके सामने ये वाला बना दिया मैंने, एन नॉर्मल फोर्स बिटवीन एम वन एंड एम टू राइट। तो फिर दैट मीन्स इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम, तो मतलब ये है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया एफ एस इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एन, दैट इज एफ एस इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस एम वन जी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स एम वन जी के बराबर होएगा बिटवीन एम वन एंड एम टू। ये सारा आपने चेक किया स्टोरी, यस आर नो में आप गए, अगर यस हो गया अजम्पशन करेक्ट है ठीक है, अगर नो हुआ तो एफ एस की वैल्यू एफ एस मैक्सिमम से कम तो हो नहीं, मतलब ज़्यादा हो नहीं सकती, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, दैट देखिए अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट, इफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग, इफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग एक्टिंग, तो फिर क्या स्टोरी होगी, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन पक्का होएगा, लेकिन इधर एफ के लगेगा और इधर एफ लगेगा, इधर एफ के लगेगा, तो एफ के की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, एफ के की, एफ के वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, दैट इज म्यू के एम वन जी, वो आपने निकाल दिया। फिर आप लिखेंगे ये एम वन है ये एम टू है, तो एफ के इज इक्वल टू एम वन इंटू ए वन, दोनों की एक्सेलरेशन अलग है, और एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम टू इंटू ए टू, आप दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर दोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, एफ तो एफ के तो कट जाएगा लेकिन ये और ये एक्सेलरेशन सेम नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि लेडी मोशन हो रहा है, लेडी मोशन होगा तभी तो एफ के लगेगा ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ वर्थ डूइंग इट, क्योंकि आपको एक कंट्रोल आ जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में, तो करना बड़ा जरूरी था, ये छोड़ नहीं सकते ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसको पूरा अच्छी तरह से समझना है, तीन चार बार रिवाइज करवाना है मेरे से,
तो अगर नहीं होता है फिर दोबारा पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको समय सारा आना चाहिए। और स्क्रीनशॉट ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं। अब हमें स्ट्रेटजी पता चल गई है, M1 कितना लेते हैं हम 10 kg, M2 ले देते हैं हम 20 kg, नीचे वाला फ्लोर क्या है, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस है, ऊपर फ्रिक्शन है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, म्यू एस दिया है 0.5 और म्यू के दिया है 0.2, ऐसे दे दिया। फिर ये बोलते हैं कि ये फोर्स लगाया यहाँ पे 40 न्यूटन का, क्या होगा? तो दोबारा से आपने क्या करना है, अजम्पशन ले लेनी है कि एफ एस एक्टिंग। देखिए अब मैं शॉर्ट में करूँगा तो वी ट्रीट बोथ बॉडीज एज सिंगल बॉडी, M1 + M2, एफ इज एक्टिंग हियर। तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट इज 40 फोर्स डिवाइडेड बाई मास, कितना आ गया 10 + 20, दैट इज इक्वल टू 4/3 एक्सेलरेशन आ गई। फिर आपने क्या किया कि आपको पता था कि M1 के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, Fs लग रहा है, तो Fs की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू M1 इंटू ए विच इज इक्वल टू 10 × 4/3 विच इज इक्वल टू 40/3 या Fs आ गया। फिर आपने चेक करना है Fs मैक्सिमम कितना है, दैट इज इक्वल टू म्यू एस एन, तो म्यू एस कितना है 0.5, एन कितना है नॉर्मल फोर्स, दैट इज इक्वल टू M1g विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू क्या आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी 0.5 इंटू M1 कितना आ गया 10 × 10 विच इज गोइंग टू बी 50। तो इस केस में क्या हुआ कि Fs इज लेस देन Fs मैक्सिमम, तो क्या है ओवर अजम्पशन इज राइट, और अजम्पशन इज राइट। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन कर दिया, वाई फॉर जैस एंड फॉर नो, जल्दी से देखिए आपने वाई फॉर जैस एंड फॉर नो, जल्दी से ओके आगे बढ़ते हैं, अभी भी है नीचे जगह। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं दोबारा से सेम M1 10, M2 20, ठीक है F, और म्यू एस 0.5, म्यू के 0.2, ये फ्रिक्शन लेस है, लेस और ये क्या फ्रिक्शन है, इसके उधर फ्रिक्शन है। अब आपको बोलेंगे कि व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, ओके ऑफ एफ, सो दैट बोथ बॉडीज आर मूविंग टुगेदर। ठीक है, मूविंग टुगेदर का मतलब क्या, इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली ये मतलब समझा रहे हैं कि एफ एस इज एक्टिंग। जब हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एस मैक्सिमम इज एक्टिंग। तो आप क्या कर लो, इस केस में आप फार्मूला, बड़े बड़े सारे फार्मूले डेवलप नहीं करने, M1 + M2 × A, ठीक है आपने निकाल दिया, तो ए आपने निकाल दी F/M1 + M2, ये निकाल दी, तो एफ एस मैक्सिमम मस्ट बी इक्वल टू M1a विच इज इक्वल टू M1 × F/M1 + M2। ठीक है आया, अच्छा अब एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या ले क्या आएगी, म्यू एस इंटू M1g इज इक्वल टू M1 F/M1 + M2, वही वैल्यू पुट कर देंगे आप तो गेट एफ दैट इज द आंसर, वाई फॉर येस एंड फॉर नो।
वाई फॉर येस एन फॉर नो, जल्दी से। ये मैंने किया आपके सामने, मूविंग टुगेदर वाला कर दिया और यहाँ से स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल। हाँ, आप एक काम करो, यहाँ से ये आपने नया किया न्यूमेरिकल, राइट। अच्छा, तो आप क्या करो, यहाँ से उतारना शुरू कर दो, ये नीचे तक डी डी भी करते हैं आप।